व्यूअर्स कैसे हो, मेरे क्या का जाकर था वीडियो, तो चाहो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कर दो भाई का चैनल हमारा चैनल इसी नंबर चैनल में। उसमें हम बात करेंगे फ्री फायर में आप लोग गोल्ड से हीरो तक जल्द से जल्द कैसे जा सके और एक ही दिन में। तो ज़्यादा बात किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के पास, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को और प्रेस करके देखिए फ्री फायर का लेटेस्ट अपडेट टिप एंड ट्रिक्स हमारे चैनल पर आती रहती है। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले नंबर पे वन पे हम बात कर लेते हैं लूट आउट। ठीक है, लूट आउट क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं बासिस पे आ गया, आने के बाद आपको स्कैन लेना है, क्योंकि स्कैन लेने से आपको कौन सा फ़ायदा मिलने वाला है मैं बता देता हूँ। जब भी आप प्लेन से उतरते हो, उतरने के बाद आपको जो स्कैन यूज़ करने का बोलता है, आप यूज़ करें आपको पहले से ही पता चल जाता है आपके पास कितने एनिमी है। देखो मेरे यहाँ पे देखो 4 एनिमी है, तो मुझे पहले से ही पता चल गया। आप लोकेशन चेंज करके भी दूसरी जगह पे जा सकते हो, तो पहले से आपको पता चल जाएगा आपके पास कितने एनिमी है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसका फायदा ले सकते हो। ठीक है, तो दूसरे में मैं यहाँ पे आ गया, आने के बाद यहाँ पे देखो सर्वाइवल, सर्वाइवल पे आपको क्या लेना है, बॉन्ड फायर। तो आपको बॉन्ड फायर लेने से आपको कौन सा फायदा होने वाला है मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको भी बॉन्ड फायर ही लेना होगा रैंक मैच में। ठीक है, तो देखो आप जब भी कोई एनिमी को या से देखो, मैं यहाँ पे देख एक बंदे को फायरिंग कर रहा हूँ, करने के बाद देखो मुझे बहुत सारा डैमेज मिला। ठीक है, समझ लो मेरे पास मेडिकेट नहीं है, तो क्या करना होगा आपको, वो जो आपके पास बॉन्ड फायर है आपको वही से यूज़ करना पड़ेगा बॉन्ड फायर को। ठीक है, बॉन्ड फायर यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो एच पी है वो बढ़ जाता है, मतलब फुल हो जाता है, और आपका ई पी भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आपके बॉन्ड फायर लेके उतरना है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बॉन्ड फायर लेना है। ठीक है, तो दूसरे में बात कर लेते हैं लैंडिंग। लैंडिंग आपको कहाँ पे करना है, देखो आप जब भी प्लेन से उतरते हो, ठीक है, आपको प्लेन से भी यहाँ पे देखो आपका जो स्कैन का सर्कल के देखो डाउन साइड, मतलब राइट या लेफ्ट, आपको राइट या लेफ्ट में आपको उतरना है। ठीक है, आपको मिडिल पे नहीं उतरना है। देखो मैं यहाँ पे उतर दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम इनमें यहाँ पे उतरता है, इसलिए मैं यहाँ पे उतरूंगा। ठीक है, आपके पास तो स्कैन भी है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कितने बंदे आपके पास आ रहा है, इसलिए आपको राइट या लेफ्ट पे आपको उतरना है। ठीक है, आपको ऐसे ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा बंदा होगा तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करता हूँ तीसरे में लूट। ठीक है, लूट के बारे में बात करते हैं। तो आपको देखो मैं यहाँ पे उतर के, उतरने के बाद आपको जो गन बहुत अच्छा चलने आते हैं वो आपको यूज़ करना होगा। मुझे देखो यहाँ पे MP40 और XMH बहुत अच्छे से चलाना आता है, इसलिए मैं ये दो ले लूँगा। ठीक है, आपको जो चलाना आती है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा गन नहीं होगा तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको भी बहुत अच्छे से लूट करना होगा, क्योंकि नहीं तो आपका सर्वाइव करना बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो नंबर 4 पे आप बात करते हैं सर्वाइव। ठीक है, सर्वाइव आपको कैसे करना है, देखो मुझे देखो यहाँ पे तो मैं टावर पे बैठा हूँ। ठीक है, बैठने के बाद यहाँ पे देखो एक बंदे यहाँ पे देखो वहाँ से जा रहा है, देखो अभी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बंदे जा रहा है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं यहाँ पे फायरिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है। ठीक है, तो आपको लोकेशन नहीं बताना है उसको, तो आप यहीं से भी आपका सर्वाइव कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको ये हाउस पे आने के बाद आपको आपके पास तो मतलब आपके पास लैंडमाइन होता है, तो पहले क्या करना होगा आपको, यहाँ पे लैंडमाइन देखो मैं यहाँ पे लैंडमाइन लेके यहाँ पे आपको सेट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, आने के बाद अब जब भी कोई एनिमी यहाँ पे आएगा तो हट जाएगा वो, और एनिमी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, आप उससे मार सकते हो। ठीक है, नंबर 5 पे आप कहते हैं इन्फॉर्मेशन टूल। तो इन्फॉर्मेशन टूल क्या होता है, देखो यहाँ पे सामने देखो इन्फॉर्मेशन टूल है, देखो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से उतरने के बाद यहाँ पे देखो आपको इन्फॉर्मेशन टूल देख रहा है। तो ये आपको यूज़ करने से क्या होता है, पहले से ही आपको मालूम चलता है, जब आपको समझ जाता है जो आपको सर्कल दूसरे में कहाँ पे उतरने वाला है, मतलब सर्कल इसके बाद कहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को मालूम चल गया, तो अभी मैं वहाँ पे जाके सर्वाइव करने लगूँगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे यूज़ करना है रैंक मैच में, आपको पहले से पता चल जाएगा जोन कहाँ पे है दूसरे। तो 6 में बात करते हैं लास्ट सर्कल। तो देखो मैं यहाँ पे देखो लास्ट सर्कल तक अभी जाऊँगा, अभी फायरिंग मत करना। ठीक है, अभी फायरिंग मत करना, क्योंकि फायरिंग करने से क्या होता है आपका
और 2 किल भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखो लास्ट साइकिल से पहले जाऊंगा, फिर फाइटिंग करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सक मैं यहाँ पे देखो लास्ट साइकिल पे आ गया। आने के बाद यहाँ पे देखो ग्लोबल लगा के आप यहाँ से बैठ सकते हो। तो ऐसे ही आप लोग रूल्स फॉलो करेंगे आपका क्या होगा। देखो मैं डायमंड 4 में हूँ, फिर भी मुझे 47+ मिला, क्योंकि मैं रूल्स फॉलो करके चलता हूँ, ठीक है। मेरा रूल्स फॉलो करके चलो, आप लोग को भी बहुत ही ज़्यादा प्लस होने वाला है हर मैच में, ठीक है।